गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज किसान को अब सही से मुआवजा मिलना चाहिए। नाथन रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार, लाइव 24 में आपका स्वागत है और मैं हूँ चंदन झा। आज हम पहुँचे हैं अपनी टीम को लेकर के संसद मार्ग पे, जहाँ पे किसानों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया है और शायद मोदी सरकार में दूसरा बड़ा आंदोलन है किसानों का। और मेरे पीछे देखिए, चारों तरफ किसान ही किसान है। देश के अलग अलग कोने से आए हुए किसान यहाँ पे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर किसानों को क्या जरूरत हो गई आंदोलन करने की, वो भी अपने खेती को छोड़ के, घर को छोड़ के दिल्ली आते हैं, आंदोलन करते हैं। कोई समस्या खड़ी होती है या कुछ कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है इनको, आखिर ये सरकार से चाहते क्या है। हालांकि इनका डिमांड है कि मेरी कर्ज माफ़ी हो जाए, कर्ज जो भी है इनका वो माफ़ कर दिया जाए और जो इनका अनाज का कीमत है उसका MSP जो है 1.5 गुना हो और खरीदारी पूरी होनी चाहिए। जो खरीदारी कम हो करके सरकार सिर्फ पोस्टर पे, बैनर पे, एड पे खर्च कर देती है और इनके अनाज की खरीदारी नहीं करती। खैर, ये मेरा अपना मानना, अपना विचार है, मैंने जो कहा। अब हम किसानों से बात करेंगे। यहाँ पे तमाम बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उन सबसे बात करेंगे। देश के अलग अलग कोनों से किसान आए हुए हैं, कुछ गन्ना किसान भी होंगे, कुछ मूंग वाले भी होंगे, कुछ चावल धान वाले भी होंगे, उन सभी से बात करेंगे। आइए मेरे साथ किसानों से बात करना। आज इस किसान आंदोलन का दूसरा दिन है और संसद मार्ग पे काफ़ी सारे किसान, लगभग 20,000 से ज़्यादा किसान यहाँ जमा हो गए हैं नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। इनका डिमांड है कि भाई इनकी कर्ज माफ़ी की जाए और इनके फसल का उचित कीमत इन्हें मिले। फसल के कीमत से 1.5 गुना ज़्यादा कीमत इनका डिमांड है। मेरे साथ अभी कुछ किसान हैं। आप लोग कहाँ से आए? कर्नाटक, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, रामदुर्गा। रामदुर्गा से यहाँ आने का कारण क्या है? कारण गन्ने का जो है बिरयानी है, वो मक्की जर का नहीं और चावल का नहीं। चावल इधर खाते के नहीं मोदी साहब। मतलब चावल का कीमत और गन्ने का कीमत नहीं मिलता आपको? क्या नहीं मिल रहे? वो गवर्नमेंट रेट अलग है, वो देने का अलग है, वो भी नहीं हमको नहीं दे रहे। पहला का बैलेंस नहीं छोड़ा, अभी नहीं छोड़ा। सो भी हमारा बंद है, गन्ने के नहीं स्टॉप है, वो सो भी पैट नहीं चलो। अभी गन्ना के पैसे तो सब भी बिल नहीं देना कहते, पुल बहुत बाकी है। गन्ना का पैसा रोक कर रखा है आपका? बैलेंस है अभी, नहीं दिया पूरा अभी, वो भी बैलेंस है अभी। बोल कितना बैलेंस होगा अभी आपका? कितना? 600, एक टन का कम है। एक टन में 600 रुपए देते हैं आप? अभी नहीं दे, कम दे अभी। अभी कितना दे रहा है? अभी इतना देने का अभी नहीं देते, नहीं दे बोलते उन्हें। 4,000 कितना बैलेंस? आप लोग का डिमांड कितना है? गन्ने पे कितना मिलना चाहिए आप लोगों को? एक टन का 3,000। एक टन का 3,000 मिलना चाहिए? 3,150। ठीक है। और अभी कितना मिल रहा है? अभी 2,200 मिल रहे। 2,200 मिल रहा है, ठीक है। आप हमारे चैनल के माध्यम से सोयाबीन का क्या रेट चल रहा है आपका? सोयाबीन के रेट समझता नहीं। तो ये गन्ने आप हमारे चैनल के माध्यम से मोदी सरकार को क्या कुछ मैसेज दीजिए कि भाई आपका कीमत बढ़ा है? हम लोग तो दिखलाने आए हैं आपको, हम तो आपको दिखलाएंगे ना। बताइए क्या कहेंगे सरकार को, मोदी सरकार को, कि भाई हमारे गन्ने का पेमेंट कराओ? हमारा क्या है देने का? सब देने को क्या प्रॉब्लम है? वो भी नहीं दे रहे बोल रहे हो पैटरी वाले, वो मोदी साहब बोलने का उसको देने का। और कर्नाटक में तो अभी आपके कांग्रेस और JDS की सरकार है, वही दोनों मिक्स होकर हमको नहीं मिल रहे। पैट्री का ओनर राज्य करे ना, ओनर खुद ओनर है पैट्री का, वो भी झगड़ा कर रहे हमारे साथ, नहीं देते इतना देते हैं बोल रहे।
वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोला 2750 बोले गवर्नमेंट रेट, उतना भी नहीं दे रहे उन्हें। 2750 सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, लेकिन फैक्ट्री उतनी नहीं दे रही आपको, इतना भी नहीं दे, इतना भी नहीं मिल रहे, 2200 भी मिल रहे हमको, 2200 बस। एक एक फैक्ट्री को एक एक दो अलग 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 दे रहा है, एक फैक्ट्री का 1000 देना, एक फैक्ट्री का 1500 देना, एक फैक्ट्री का 2200 देना, क्यों बोलना कहते दे या पैसे। तो ये हम ये जो कुछ किसान हैं कर्नाटक के बेलगांव से आए हुए हैं, बेलगांव से इनकी समस्या है कि गन्ने का सही कीमत इन्हें नहीं मिल रहा है, सरकार के द्वारा जो तय किए गए मानक हैं वो 2750 रुपए हैं, इनकी डिमांड है 3150 रुपए की, लेकिन फैक्ट्री मालिक इन्हें 2200 रुपए, 200, लेकिन वो भी बैलेंस, अभी बैलेंस है ना, अभी दिया तो नहीं है, अभी बैलेंस बहुत बैलेंस बहुत है। आप कहाँ से हो वीर जी? पंजाब से हो जी? हाँ बिल्कुल। क्या 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 समस्या है आपके साथ? हमारी समस्या ये है कि किसान जो लोग हैं वो खुदकुशी कर रहे हैं, उन पे कर्जा बहुत ज्यादा है, और उनको जो कीमत है समर्थन मूल्य है वो नहीं मिल रहा, पूरी कीमत नहीं मिल रही, इसलिए किसान बर्बाद है। आप भी खेती करते हैं? हम भी खेती करते हैं। कितना जमीन है? हमारे पास 20 एकड़ जमीन है। काय की खेती होती है? खेती हमारी कणक और गेहूं, गेहूं और धान की होती है। हाँ जी हाँ। पंजाब में कहाँ के रहने वाले? पंजाब में पटियाला डिस्ट्रिक्ट पाटना में पैंद गांव के रहने वाले हैं। हाँ जी हाँ। तो ये बताइए सरकार से क्या मतलब ये डिमांड है कि पूरा कर्जा माफ हो जाए और दूसरा समर्थन मूल्य जो है हमारा पूरा मिले। हाँ, जो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमारा जो है रेट बढ़ाया जाए। हमारी यहाँ पे आप कैसे आ गए? यहाँ पर जो रैली हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, किनने बुलाया आपको? हम किसानों के एक उस पे बुलावे पे आए हैं, जो हमारी यूनियन है, किसान यूनियन जथेदार जथेबंदी डकौंदा ग्रुप है हमारा, उस जथेबंदी के हैं हम और आए हैं। इसका मोदी का जो है पिट से अपा करने के लिए आए हैं। हाँ जी हाँ, इसने बड़े बड़े वादे किए और किसी पे पूरा नहीं उतरा। कुल मिलाकर के आप लोग अप्रसन्न हैं? हाँ बिल्कुल अप्रसन्न हैं। खुश नहीं है सर? नहीं खुश हैं, बिल्कुल नहीं खुश हैं। धन्यवाद धन्यवाद। मेरे पीछे एक बैनर लगा हुआ, लिखा हुआ ना मोदी ना योगी ना जय श्री राम, देश पे राज करेगा मजदूर किसान। कहाँ से आए हुए आप लोग? हम हरियाणा से आए हुए हैं। हरियाणा से आए हुए हैं? अच्छा, हरियाणा में कहाँ से कहाँ पे रहते हैं? भिवानी जिला शिवानी तहसील से आए हुए हैं, और जो हमारा जो इलाका है वो डेजर्टी इलाका भी आप कह सकते हो, मरुभूमि है, और वहाँ पे जो पानी की जो समस्या है वो नहीं है कि नहर जो टैल इंड पे होने के कारण नहर ही पानी नहीं है, और जो खेती के अंदर जिस तरह जो मार पड़ी, जो किसान के ऊपर तो मार है ही है, पर जो हमारा जो इलाका है वो डबल मार की उसको झेला, क्योंकि पानी की समस्या का दिक्कत, लोग टैंकरों से गिरा के जो ना पानी लेके पीने के लिए पानी का प्रबंध करते हैं। खेती कैसे होती है? खेती सर बिरानी खेती है, बारिश पे निर्भर है। बारिश कैसी होती है? बारिश कभी कभार होती है, बहुत कम होती है, और पानी पीने के लायक भी नहीं है, नीचे का पानी खारा है, और बहुत किसान मजदूर की इतनी बिरुद माटी है कि किसान मर रहा है बारिश के अभाव के अंदर। उसके अलावा जो समस्या किसान की है, आवारा पशुओं की समस्या जो है वो बहुत ज्यादा है, कि हर गांव के अंदर 20 30 40 50 या 100 तक आवारा पशु। पीछे एक बैनर लिखा हुआ है ना मोदी ना योगी ना जय श्री राम, देश पे राज करेगा मजदूर किसान। हाँ जी ठीक है। हाँ जी, तो चलिए मोदी योगी को तो हटा ही सकते हैं, मोदी जी योगी जी को। हाँ जी, राम जी को भी हटाने के लिए तैयार है क्या आप लोग? देखो सर, राम जी का मतलब एक बहाना, देखे हम भी मानते थे किसी देवता पर, किसी पर राज करने के लिए किसी देवता को ऊपर रखे, देवता तो कभी राज नहीं करते, उसका देवता का नाम लेके राज करे ने, देवता का नाम लेके राज। चार साल पहले कहां गए थे मंदिर बनाने के लिए? आज इनको याद आया राम जी, चार साल पहले बना देते। राम जी से ऐतराज नहीं, उस पर राजनीति करने वालों से। हाँ, राजनीति करने वालों से ऐतराज है। हाँ, राज की जो राजनीति है इसके अंदर निश्चित तौर पे आप कह सकते हो कि मोदी राज के बाद में चार साल के जो है भाव का जो समस्या है, जो इन्होंने बोला था, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि काला धन विदेश से लेके आएंगे और 15 लाख हर आदमी के खाते के अंदर आएंगे, फसल का हम डेढ़ दाम देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो हर मोर्चे पे सरकार विफल रही है, और जात पात पे संप्रदायिता के ऊपर जो राज का जो काबिल करना चाहता है, गांव का जो भाईचारा का माहौल जो बिगाड़ना चाहती है, कम उसके खिलाफ है कि ऐसा कम से कम नहीं होना चाहिए। राज के करने के लिए जो आज जो मजदूर और किसान है, 3 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या करके, ये सरकार का ही आंकड़ा है,
तो इससे क्या हम कहते भी किसान जो आत्महत्या की है उसको आत्महत्या नहीं होनी चाहिए, फसल का डेढ़ा दाम दो, अब मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो। और जो कर्जे का सवाल है, स्वामीनाथन रिपोर्ट है क्या? अब मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो रिपोर्ट है वो ये है, मैं आप सही मायने में तो आप देखोगे तो आप कह सकते हो कि फसल का डेढ़ा दाम मिले। और दूसरी बात है किसान को बिजली जो ट्यूबवेल का कनेक्शन लेता है वो ट्यूबवेल भी सरकार खोद के बिजली के कनेक्शन भी सरकार दे, उसको सिर्फ बिजली का बिल ले सकते हो। दूसरा जो फसल जो लागत है उसका डेढ़ गुना भाव दे दो। तो ये जो मतलब हम स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर किसान की तो जो फसल बन जाती है उसको मंडी में गिरा लेते हैं, लेते भी नहीं मंडी में भी नहीं, नहीं मंडी में जैसे शिवानी में मूंग की गई खरीद शुरू की, बोला 50 किलो किले के लेंगे, हमने वरोड़ा रब रख रखे 2 क्विंटल करवाई, लेकिन वो 701 किसानों के ऑनलाइन हुए, उनमें थे 200 के खरीदे गए, बाकी अपने वहाँ मंडी में बैठे हैं। मंडी में तो फिर सही कीमत मिलती नहीं होगी? नहीं सही कीमत मिलती है, वो सरकार तो सही देती है लेकिन सरकार खरीदा नहीं ना, सरकार ने खरीद बंद कर दी, 200 ही किसानों की खरीदी बल्कि 701 किसानों की ऑनलाइन हुई थी खरीदी, 200 किसानों खाली 200 की, बाकी किसान वहाँ मंडी में बैठे हैं अपने 2 क्विंटल 4 क्विंटल लिए। चलो ये इनका जो कहना है वो यही है कि मंडी के अंदर किसान की लूट है, जैसे कोई मंडी के अंदर लेके चले आ गया पहले ऑनलाइन करवाओ, मजदूर को किसान को इतना पता ही नहीं होता कि ऑनलाइन क्या सिस्टम होता है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ऑनलाइन में भी दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन के अंदर भी दिक्कत, और ऑनलाइन होने के बाद में खरीद भी नहीं कर रहे हैं। जिस तरह आपकी बार मूंग का भाव हरियाणा के अंदर 7,000 रुपये के आसपास है, 1,750 रुपये है, और जो जो मूंग जो खरीदा गया वो सिर्फ 2,200 क्विंटल 2,200 रुपए क्विंटल में आपने बेचा है, 2,200 क्विंटल ही मूंग खरीदा गया, 2,200 बाकी का उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं खरीदेंगे। मतलब एक तरफ सरकार ये दिखाती है कि हमने मूंग का मैक्सिमम प्राइस दिया है 7,000 रुपए, परंतु खरीद तो नहीं की। इसी तरह बाजरे के ऊपर आप कह सकते हो हमारे कुल मिलाकर के ये जो मतलब सरकार है वो कहीं ना कहीं फैब्रिकेट करती है मामले को कि कहती है कि हम इतना मैक्सिमम प्राइस दे रहे हैं लेकिन खरीद कम करती है, खरीद नहीं हो रही है, सिर्फ एक दिखावा और एड के ऊपर ज्यादा खर्च किया जा रहा है, उसकी बजाय वो पैसा किसानों को दे दिया जाए, उनकी मूंग खरीदा जाए, उनका बाजरा खरीदा जाए, उनका जो अनाज खरीदा जाए। वो जो बोर्ड लगा दिया मंडी का कि किसानों को न्यूनतम मूल्य देंगे, खाली बोर्ड है, दिखावा है, कुछ नहीं है, किसान बैठे हैं कोई नहीं अपना मंडी में, बाकी कुछ नहीं, वो कोई आ जाता अफसर बोला भाई ऊपर से आदेश आ गया आप नहीं खरीदेंगे। किसान कुल मिला के ये कहा जाए कि हरियाणा से जो किसान आए हुए हैं भिवानी से है ना, इनका ये कहना है समस्या ये है कि भाई ऑनलाइन बिक्री में भी नाम आने के बाद मंडी में सिर्फ और सिर्फ 200 लोगों से ही मूंग खरीदा गया, बाद बाकी को छोड़ दिया गया, और वो भी जब नहीं बिकती है, हालांकि सरकार कीमत सही देती है लेकिन जब बात बिचौलियों की आती है तो बिचौलिया जो होता है जो बीच का खरीद फरोख्त करने वाला व्यक्ति होता है वो सही कीमत इन्हें देता नहीं है। सही बात है ना, बिचौलिया सही कीमत सरकार, मतलब हमारा कहने का जो मायना वो ये है कि सरकार खरीद ही बंद कर देती है, सिर्फ नाम का, एक बार हमने मूंग खरीदे हमने बाजरा खरीदा, सरकार सिर्फ ये कैंपेन चलाना चाहती है, अदरवाइज किसान का जो अनाज है वो खरीदा नहीं जा रहा। यदि मंडी यदि आपको किसान से खरीदना अनाज है तो पूरी साल के लिए आप मंडी लगाओ आप ले जाओ, पर वहाँ तो सिर्फ एक भीड़ को जुटाना है लोगों को इकट्ठा करना है, उसके बावजूद उनको फसल खरीद नहीं करनी है, तो ये सरकार से जो ना इसकी फसल जो आदमी ले आता है उसकी फसल खरीद करो। आप लोग कहाँ से आए? तमिलनाडु से आया, तमिलनाडु का किसान पूरा, तमिलनाडु का किसान। यहाँ पे आने का कारण ये धान जो आप लोगों ने रखा हुआ क्या कारण? ये धान का अच्छा रेट नहीं दिया, धान का अच्छा रेट का रेट 2,340 देना पड़ेगा, अभी कितना रेट? 790 दे रहा है, 450 रुपया लॉस हो गया चावल का, आप लोग यहाँ पे हैं सरकार से डिमांड रखने के भाई हमारी कीमत को बढ़ाया जाए, वो अच्छा रेट देना पड़ेगा, शुगर केन ये धान का चावल का अच्छा रेट देना पड़ेगा। एम एस स्वामीनाथन पहले बोल रहे हैं ना, वो पूरा वो मैटर पूरा करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। कुछ नहीं कर दिया ये सरकार, कुछ नहीं कर दिया, किसान वाला पूरा मर जा रहा है। और बाकी आदमी अभी इधर है, आपके यहाँ गन्ने की भी उपज होती है क्या? गन्ना भी होता है क्या आपके यहाँ? गन्ना में शुगर केन में रेट नहीं दिया, अच्छा रेट नहीं दिया। क्या रेट अभी है वहाँ? अभी रेट करेक्ट रेट सर उस कर्म करेक्ट 2,750 दे रहा है, 3,500 देना पड़ेगा, वो नहीं दे रहा है।
वो किसान वाला क्या 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 वो जमीन में क्या रेडी कर रहा है वो पूरा रेट वाचा रेट नहीं, वो बहुत लॉस है, पूरा लॉस है। अच्छा ये बताइए कि जैसे अगर सरकार नहीं एक्सपेंसेस होगा वो ही नहीं आ रहा है उसको एक्सपेंसेस नहीं वापस मिल रहा है, वापस नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए कि सरकार बात नहीं मानती है, ठीक है, और दूसरी सरकार जब आएगी वो भी बात नहीं मानेगी तो क्या करोगे? वो पहले सरकार इतना प्रॉब्लम नहीं है पहले सरकार में, ये सरकार आने का बाद कितना किसान वाला मर गया, पहले इतना किसान मर नहीं गया ना, अभी कितना आज कितना किसान मर गया मालूम नहीं है, टीवी देखना पड़ेगा, अभी पेपर देखना पड़ेगा, साल का किसान मर जा रहा है। एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग सिर्फ आप ही के लिए आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन रहता है कि हम टीवी वाले जो है किसानों का आंदोलन दिखाते नहीं है, चूंकि टीवी वालों पे लोग आरोप लगाते हैं, ब्लेम करते हैं कि भाई आप किसानों के आंदोलन को दिखलाते नहीं है, लेकिन हम लोग तो दिखला रहे हैं भाई, हम तो आए हैं आपके पास आपकी समस्याओं को वहाँ तक। टीवी में कितना प्रॉब्लम उतना प्रॉब्लम नहीं डाल रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम नहीं, मैं हमारा चैनल आपके पूरे समस्याओं को दिखलाएगा, जो जो आपने बोला वो सब आप देखोगे, वो चैनल आदमी दिल रखा है तो प्रॉब्लम पूरा ठीक होगा। ठीक है, हम लोग रखेगा, अपना काम करेगा हम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे आप लोग अपना काम करते हो, ये उगाते हो, हमें खाना खिलवाते हो, वैसे हम लोग भी अपना काम करेगा, हम लोग भी अपना काम करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, तमिलनाडु के किसानों से मिलने के बाद हमारे मिल चुके हैं बिहार के किसान। बिहार में कहाँ से हैं आप? बिहार में पटना जिला है, अखिल भारतीय किसान महासभा के। आप क्या करते हैं? हम प्रांतीय सचिव हैं और खेती भी करते हैं, मतलब चार एकड़। काय का खेती वो करते हैं, क्या उपजाते हैं? धान गेहूँ, धान गेहूँ फसल उपजाते हैं। क्या क्या समस्या, क्या क्या मांग? समस्या है कि वहाँ 70% खेती बटाईदार लोग करते हैं, ठीक है, बिहार सरकार जो नीतीश और मोदी की है वो ही मानते हैं कि बटाईदार किसान हैं, लेकिन व्यवहार में उसको किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। व्यवहार में किसान मानने के लिए तैयार नहीं, कोई भी उनको सुविधा नहीं मिलता है। अभी आंदोलन के बाद कुछ डीजल सब्सिडी दिया है और सुखाड़ देने की बात किया है, लेकिन आज तक एक पैसा सुखाड़ किसी किसान को नहीं मिला है। हम लोग का मांग है कि बटाईदारों को रजिस्ट्रेशन करके पहचान पत्र दिया जाए और तमाम किसानों की सुविधा दी जाए। हाँ, तो नीतीश जी सुन लीजिए, ये जो आए हुए बिहार के पटना से कह रहे हैं जो बटाईदार खेती करते हैं उनको भी किसानों वाला पूरा योजना मिलना चाहिए और कुल मिला के उन्हें सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर सुविधाएं देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो क्या होगा? नहीं देते तो आंदोलन और आगे बढ़ाएंगे हम लोग, वहाँ भी मतलब घेरेंगे पटना में जो सदन है उसको। यहाँ हम लोग आए हैं केंद्र सरकार से मांगने कि जो स्वामीनाथन आयोग जो देने की घोषणा किए थे नरेंद्र मोदी, वो आज नहीं लागू कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम किसानों को देंगे, लेकिन उसका दाम में जो श्रम शक्ति है और जो कर्ज लेता है उसका जो सूद है और किराया जो खेती का है, वो सब जोड़ करके C2+ में 50% जोड़ करके हम लोग मतलब समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। कुल मिला के कितना समर्थन मूल्य चाहिए? लगभग अभी मतलब 3200 रुपया उसको लगेगा, लागत मूल्य के उसमें मिला करके किया जाएगा। तो इसका गेहूं चावल में दोनों का, धान का खास करके, जबकि उस 1750 की घोषणा किए हुए हैं। 3200 चाहिए आपका डिमांड? हाँ, इसलिए उनको नहीं मिल रहा है अभी लागत, यही हम लोग का मांग है यहाँ। ठीक है, चलिए, तमिलनाडु के बाद बिहार, बिहार के बाद देखिए दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, सभी किसानों से मिलते हैं, बातचीत करेंगे। आप कहाँ से हैं वीर जी? बठिंडा जिला पंजाब तो आए जी। यहाँ आने का क्या कारण है? असि आए भी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होवे, भी अपना जिहड़ा कणक दा भाव झोने दा नरमे दा भी सही मुल किसानां नूं मिले, किसान खुदकशियां करी जांदे आ साडे बठिंडा जिले च। 2 घंटा बाद स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट क्या कहता है? आप लोग आए तो कुछ तो मालूम होगा ना स्वामीनाथन आयोग के बारे में? ओ जदों मोगदी अपना वोटां जित्ता सी, इन्हां ने वादा करा सी मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा भी मैनूं प्रधानमंत्री बन जांदे, उदों इहने झूठ बोल के लोगों ने वादा करे, हूँ इन करनी चाहिए मंग पूरी। पूरा नहीं किया, झूठ बोल के वो प्रधानमंत्री? हाँ, झूठ बोले। और आप करते क्या है वहाँ बठिंडा में, आपका मुख्य कार्य क्या है वहाँ? मैं पंजाब किसान यूनियन जिला प्रधान बठिंडे का। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। क्या 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 मतलब उपज क्या है? किसान खुदकशियां करी जाते हैं जी, किसानों सही मुल नहीं मिलता। किसान क्यों खुदकशियां करते? कोई आर्थिका नहीं मरता, कोई व्यापारी नहीं मरता खुदकशी करके, किसान अन्नदाता अच्छ भुखा मर के खुदकशियां दे राह पे आवे। अच्छा,
अच्छा ये बताइए आप अपने यहाँ क्या उपज करते हैं, क्या आपके यहाँ क्या क्या किस चीज़ की खेती करते हैं आप? खेती ऐसी कणक झोना नरमा है, नरमा क्या क्या सही कीमत नहीं मिल रही क्या? सही कीमत नहीं मिलती। क्या अभी क्या कीमत नरमे की क्या कीमत है? नरमे का 5,000 है, ये दू पहला असी 7,500 नु बेचा है 6 साल पहला, आप कितने तो हूँ 10-12 हज़ार नु होना सी क्वार्टल, तो कितने घटी जाता 5,052 रेट है जी। मिलाकर के जो वीर जी आए हुए हैं भटिंडा से, इनका कहना है कि भाई किसी भी तरीके से स्वामीनाथन आयोग का जो रिपोर्ट है वो लागू करें, और प्रधानमंत्री मोदी ने झूठ बोला कि मैं आयोग की रिपोर्ट को लागू करूंगा, और यही झूठ बोल के वो प्रधानमंत्री बन गए, क्यों सही है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और अब अगर वो लागू नहीं करते तो क्या करेंगे आप? असी तो फिर धरना ही धरना इतने बैठे रहा करेंगे आके, खेती किसानी इसको कहा प्रधानमंत्री तक नहीं जान देवे, अब अगली बार प्रधानमंत्री नहीं बनने? हाँ नहीं बन देंगे। इस किसान रैली और किसानों के आंदोलन में कुछ बैंकर्स भी हैं जिनका कहना है कि वो इस रैली में किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। सर आप, अच्छा आपका नाम क्या है? देवीदास तुलजापुरकर, जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। यहाँ आने का मुख्य मकसद क्या है आपका सर? ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसको हम बैंक एम्प्लॉयज समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है उनको सपोर्ट करना, उनका दुख दर्द हम जानते हैं, और बैंक में होने के कारण तो हम किसान को बहुत नज़दीक से देखते हैं, उसकी पीड़ा हम समझते हैं, और हमें लगता है कि पिछले जो भी 20 साल में 3 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की, ये एक शर्मनाक बात है, और कहीं ना कहीं इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज किसान आगे आया है, ऐसे समय में उसको सपोर्ट करना और कहीं ना कहीं उसके पक्ष में खड़ा रहना, ये हम लोग जिम्मेदारी समझते हैं। ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले भी हुआ था आंदोलन किसानों का, जहां पे दिल्ली में एंटर करने से पहले रोक दिया गया था और बल प्रयोग किया गया था, उसमें आप लोग भी थे क्या? हम लोग उस वक्त नहीं थे। इस बार वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ ने इनिशिएटिव लेके मध्यम वर्ग को इस आंदोलन से जोड़ने की जो कोशिश की है। एक चीज मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, चूंकि आप मतलब बैंक से जुड़े हुए हैं, इंटेलेक्चुअल हैं अपने सेक्टर के, आप जो मंच पे जो लोग भाषण दे रहे हैं, आपको ये नहीं लग रहा है कि ये लोग अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता। हाँ, एक तो क्या है, आखिर ये सवाल तो राजनीति के तरफ जाने ही वाला है, और राजनीति की नहीं, बात यह है कि जो जो लोग लीडर बने, चाहे किसानों के लीडर बने, जवानों के लीडर बने, युवाओं के लीडर बने, जब उन्हें वो तख्त वो ताज मिल गया तो पता नहीं क्यों वो विमुख हो गए, उनसे दूर होते चले गए। क्या ये जो मंच वाले लोग हैं जो बड़े बड़ी भाषण दे रहे हैं, लंबे लंबे चौड़ी हाँक रहे हैं, तरह तरह की चीज़ कोस रहे हैं, क्या इन्हें पद मिलेगा? तो वो ये इस भीड़ को दिखलाइए जरा, इस भीड़ की सुनेंगे या फिर उनके लिए भी कोई आंदोलन करेगा फिर? ये जो मंच पर जो उपस्थित लोग हैं उसमें कई लोग हैं जो जेन्यून है, वो सही मायने में वो फार्मर्स के पक्ष में खड़ा रहते हैं। मुझे नहीं लगता सबको एक ही तराजू में तोल कर उनको कंडेम करना ये ठीक बात नहीं है, और आम आदमी का आज कहीं ना कहीं ये एक एहसास हो रहा है कि फार्मर्स जिनके लिए किसी एक ज़माने में टिकेत थे, उसके पहले देवीलाल थे, उसके बाद शरद जोशी थे, लेकिन पूरी पॉलिटिक्स में फार्मर्स को पिछले 20 साल से निग्लेक्ट किया गया है। फार्मर्स के तो बड़े नेता मुझे लग रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री थे जिन्होंने डायरेक्टली बोल दिया जय जवान और जय किसान, सही है ना? वैसा बड़ा नारा मुझे नहीं लगता कि देश के दूसरे किसी बड़े नेता ने दिया हो। सही है, सही है वो, सही है वो। अगर वैसा कोई किसान नेता निकलता तो शायद आप लोगों को लगेगा कि चीट ना करे, लेकिन नेता वाली बात नहीं है, जमीन से जुड़कर वो पूरा आंदोलन खड़ा होना चाहिए, और आज जो माहौल मैं देख रहा हूँ ये जमीन से जुड़कर जो लोग हैं वो यहाँ पर उभर कर आए हैं। हर वक्त जो प्रोसेशंस निकलते हैं और आज जो प्रोसेशन निकला है उसमें बहुत क्वालिटेटिव डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? चूंकि देखिए बात करने में आपसे मजा आ रहा है मुझे, क्योंकि किसानों से तो मैंने बात करी है भाई क्या समस्या है, गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा है, धान का मूल्य नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं आप इकोनॉमिकली उसको कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, चूंकि आप बैंकर्स हैं, बैंकर बैंक में आप काम कर रहे हैं, और किसान आपने बोला कि किसानों से हम बड़ा नज़दीकी जुड़ते हैं, नज़दीक से जुड़ते हैं, है ना?
तो कैसे इसको आप सेटिस्फाइड करेंगे कि अगर कीमत बढ़ा दी जाती है तो सरकार पे क्या असर पड़ेगा, नहीं असर पड़ेगा, तो क्या लगता है कि बढ़ाएगी कीमत सरकार? मैं अभी बैंक में काम करता हूँ, हम यूनियन की तरफ से एनपीए के खिलाफ आंदोलन करते हैं। रिजर्व बैंक का डाटा ऐसा कहता है, सांख्यिकी ऐसी कहती है कि पूरा जो एनपीए है उसमें 85% एनपीए सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों का है। 12 बड़े उद्योग समूह ऐसे हैं जो 2,53,600 करोड़ रुपया बैंक को देना चाहिए। मैं कहता हूँ उसमें से आधे भी मिल गए ना, तो ये फार्मर्स का जो डेब्ट रिलीफ का इशू है वो इशू एड्रेस हो सकता है। ये अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो 85% जो एनपीए है वो 12 व्यापारिक घरानों के पास ही गिरवी पड़ा हुआ है। सही है, सही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कानून में बदलाव लाना और बैंकों को ज़्यादा अधिकार देकर अगर ये चीज़ आगे लेके गए तो पैसा वसूल हो सकता है। अभी पैसा गया कहाँ? आखिर बैंकों ने जो पैसा दिया है इन लोगों ने रखा कहाँ है? कहीं ना कहीं तो रखा होगा, प्रॉपर्टी में रखा होगा, कहीं रखा होगा। आज देखो, आज भी अभी आपकी जेब अगर काट देते हैं तो इमीडिएटली मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाएगा और वो बोलेंगे आपने इंडियन पिनल कोड के तहत आपको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन मैंने अगर 5,000 करोड़ रुपया बैंक से कर्जा लिया तो वो सिविल ऑफेंस है। हम यूनियन की तरफ से डिमांड करते हैं कि इंडियन पिनल कोड में अमेंडमेंट करके विलफुल डिफॉल्ट है वो कहीं ना कहीं क्राइम तय किया जाना चाहिए। विलफुल जो डिफॉल्टर हैं, जो पैसे चुका सकते हैं, एनपीए डिफॉल्टर हैं, उन्हें सिविल बोला ना आपने, उसको क्रिमिनल ऑफेंस में डालना चाहिए। चूंकि इन्होंने बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल लिया कि अगर हम किसी का पॉकेट काट लेते हैं 5, 10, 25, 50 रुपए, तो तत्काल पुलिस हमें पकड़ के थाने में ले जाती है। लेकिन जब कोई 5,000 करोड़ या 2,000 करोड़ रुपए डकार जाता है तो उस पर पहले क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता ऐसा। सही है, सही है। आज भी विजय मल्या गया कहाँ, नीरव मोदी गया कहाँ, और ऐसे कितने लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। सरकार क्या कर रही है इन लोगों को पकड़ने के लिए? मुझे तो दिखाई देता है कहीं ना कहीं ये फॉल्ट है, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। सिर्फ लूप होल नहीं कहूंगा मैं, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए ये लोग सख्ती से उनके सामने पेश नहीं आ रहे। और अभी पीएमओ को बताया गया था लिस्ट, ऐसे कहा जाता है, लेकिन पीएमओ ने कुछ किया नहीं। आज रिजर्व बैंक या फाइनेंस मिनिस्टर आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि ऑटोनॉमी चाहिए। मैं कहता हूं पहले बात करो ये विलफुल डिफॉल्टर की तरफ से पैसा कैसा वसूल किया जाए। वो अगर करते हैं तो किसी बैंक को एक पैसे की मदद देने की जरूरत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर सीरियसली सोचती नहीं है। जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे मोदी सरकार हो, इससे पहले 2 टेन्योर में मनमोहन जी की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, उसमें भी ये समस्या ये तो चलती आ रही है ना, ये तो बड़ा अनवरत चलती आ रही है। सही है, एब्सोल्युटली। ये गवर्नमेंट शायद पहले कांग्रेस का था और आज बीजेपी का है, लेकिन उनका क्लास कैरेक्टर वही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करना चाहिए। अभी आपका बैंक में खाता होगा, आप अगर बैंक में जाओगे तो आपको पता चलेगा पैसा डालने के लिए आपको चार्ज देना पड़ता है, पैसा निकालने के लिए चार्ज देना पड़ता है, आपको SMS आता है उसके लिए चार्ज देना पड़ता है। अरे किस चीज़ की पनिशमेंट कर रहे हो कस्टमर को? क्या उसका गुनाह है कि बैंक में पैसा खाते? ये तो वसूली, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि गवर्नमेंट जो है ना कहीं से वसूल कर रही है पैसे को, खाते वो मतलब जो गैप हो गया उसको भरने के लिए। ये बड़े बड़े जो लोगों ने पैसा थकित किया है उसकी सजा ये आम आदमी को दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आम आदमी को उठकर ये पॉलिसीज के खिलाफ लड़ना होगा। ये लड़ाई मोदी, ये उदाहरण उसी का है। ये देखो आज फार्मर्स रास्ते पे आए हैं, आप देखोगे 9 और 10 जनवरी को पूरी भारतवर्ष का पूरा मजदूर रास्ते पे आ रहा है। 2 दिन कंटिन्यू स्ट्राइक है, फार्मर का स्ट्राइक और अभी लेबर यूनियंस का स्ट्राइक, ये दोनों देखने के बाद मुझे नहीं लगता दिल्ली का तख्त वो ऐसे रहेगा, हिल जाएगा। और ये आम आदमी के पास जो एंगर एंग्विश है वो बाहर आ रहा है। ये कोई कांग्रेस, राहुल गांधी या शरद पवार, इनसे ताल्लुकात रखने वाली बात नहीं है। अभी इसका कोई पॉलिटिकली इनकैश करेगा वो बात की बात हो गई, लेकिन आज आम आदमी को लगता है इनफ इज इनफ, बस ये पीड़ा कहीं ना कहीं खत्म होनी चाहिए। हो गया, अब जो है मतलब आगे आना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। सही मायने में यही कर रहे हैं, यही आम आदमी कर रहा है। अभी आज मैं देखता हूँ ये पूरे माहौल में
स्टूडेंट्स है, महिलाएं है, ये पत्रकार है, आर्टिस्ट है, बैंक एम्प्लॉई है, ये गवर्नमेंट में काम करने वाले जो ऑफिसर एसोसिएशन के बड़े लोग, एक्स आर्मी मैन भी हैं यहाँ पे, एक्स आर्मी मैन भी है, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स, कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जो यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं होता है। सेक्शन से कुछ ना कुछ लोग हैं, लगता है कि बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन आज फार्मर को ये महसूस होगा कि आत्महत्या ये उनके सवाल का हल नहीं है, और कहीं ना कहीं आम आदमी मेरे पीछे खड़ा है, तो मुझे लगता है इसका असर फार्मर सुसाइड कम करने में भी होगा। गवर्नमेंट चाहे कुछ करे ना करे, लेकिन फार्मर्स को लगेगा कि आम आदमी मेरे साथ है। अच्छी बात लगी कि मतलब अगर इतने लोग फार्मर्स के पीछे खड़े हैं तो कर्ज बात अलग है, कीमत बढ़ाए सरकार या ना बढ़ाए, लेकिन उसे अंदर से जो फील गुड होगा कि उसे लगा कि लोग मेरे काम को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसलिए आत्महत्या बिल्कुल कम होगी, और फार्मर कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि मेरी पीड़ा लोग समझ रहे हैं, और ऐसा ही प्रेशर बढ़ते गया तो सरकार को कुछ न कुछ हल तो निकालना पड़ेगा। मतलब जो विलफुल डिफॉल्टर्स है पकड़ पकड़ के तो लाना ही पड़ेगा। अरे भाई, अभी भी सहारा का जो सुब्रत और राय है, उसको जेल के पीछे डालने के बाद उसने पैसा भरा ना, लगातार भरा, यही वीडियोकॉन के दूत के साथ होना चाहिए, यही नीरव मोदी के साथ होना चाहिए, यही विजय मल्या के साथ होना चाहिए, बराबर पैसा वसूल होगा। चलिए जी, मतलब यहाँ पर जो बैंक के कुछ एम्प्लॉय है, बैंक यूनियन के एम्प्लॉय है, उन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी, जो बड़ाई मतलब तथ्यात्मक जो तथ्य होता है, तथ्यों से उन्होंने अवगत करवाया। किसान आंदोलन में बराबर देखा क्या जाता है, किसान आंदोलन में किसान आते हैं, आंदोलन करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन खैर इस बार समाज के हर तबके के लोग यहाँ जुड़े हैं, एक्स आर्मी मैन हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पत्रकार हैं और खुद बैंक के कर्मचारी भी हैं। दो दिवसीय किसान आंदोलन में एक ऐसा प्रोटेस्टर हमें मिला जो अपने गायन से गा करके और गिटार बजा करके प्रोटेस्ट कर रहा है, और सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी गिटार अंकल, सुशील आहूजा, राजेंद्र नगर, दिल्ली। अच्छा, आपके कैप पे और मोबाइल इस गिटार पे लिखा हुआ है नो गॉड। हाँ, इसका एक मकसद है कि जब तक भगवान अल्लाह गॉड के चक्कर में किसान फंसा रहेगा, किसान गरीब रहेगा, क्यों कि जो है भगवान अल्लाह गॉड थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं, और जो है उसी के चक्कर में जो है वो बेचारे को फंसाया रखा जाता है, और बेचारा वो अनपढ़ भी रहता है, और जो है भगवान के अल्लाह के नाम पे जो है गॉड के नाम से वो फंसा रहता है। अभी आज जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने गिटार के माध्यम से, मतलब बार बार आते हैं प्रोटेस्ट में, क्योंकि प्रोटेस्ट तो काफ़ी दिनों से अलग अलग लोग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अभी आए हैं आप? नहीं, मैं तो जो है पहले से समर्थन करता रहा हूँ, और सही मुद्दा, जितने भी अच्छे अच्छे मुद्दे होते हैं मैं उनके साथ रहता हूँ। किसान का मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और जो है मैं उनके बिना नहीं जी सकता, क्योंकि वो खाना बनाते हैं, खाना उगाते हैं, तो मैं खा पाता हूँ, अदरवाइज जो है मैं जो है जिंदा भी नहीं रह सकता। तो मेरे को याद रखना चाहिए कि जो है मैं मेरी जो मेरे को कोई भगवान खाना नहीं देता, अन्नदाता, मेरा अन्नदाता मेरे को खाना देता है, मेरे को जो है किसान की रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। और जो है दिल्ली में बहुत लोगों को जो है मैं बोला कि चलो मेरे साथ चलो, नहीं चलते लोग, हाँ, तो हम लोग जो है उनको चाहते हैं कि उनको जागृत करें, उनको गैल्वेनाइज करें, उनको सेंसिटाइज करें, तो जो है उसलिए जो है मेरे को निकलना पड़ा, मैं आया हूँ। ये हमारे साथ गिटार अंकल जी हैं, और ये बताइए गिटार अंकल, देखिए हम आपका पूरा नाम इसलिए नहीं लेना चाहते, गिटार अंकल जो नाम है ना, बड़ा ही मतलब मार्वेलस सा नाम है। हाँ, सही बात है, गिटार नाम कैसे पड़ गया गिटार अंकल? ऐसे था, वो आम आदमी पार्टी में एक सरोज जो है लड़की थी जो बेचारी मर गई, तो आम आदमी पार्टी से पहले अन्ना हजारे की मूवमेंट थी लोकपाल लाने के लिए, उसमें आप भी थे क्या? हाँ, मैं था, वहीं से जो है मेरा नाम पड़ा जो है। तो ये मैं अभी बना रहा हूँ किसानों का, तो जो है गाना जो है, हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, किसान को अब सही मुआवजा मिलना ही चाहिए, किसान को सही मुआवजा मिलना ही चाहिए, किसान स्वामीनाथन
स्वामीनाथन की रिपोर्ट अब इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट अब इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ये बताए स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है क्लियर है क्या? बहुत मैंने पहले पढ़ी थी और हाँ थोड़ी सी जानकारी ये है कि भाई जो MSP है, जो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो बदलता रहता है, वो डिपेंड करता है एक साइंटिफिक जो है सिस्टम से बना हुआ है वो, तो उसी हिसाब से जो है किसान को जो है किसान को मुआवजा उसी हिसाब से जो है किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है मिलेगा, तो वो इनकरेज होगा जो है अपना स्थिति अभी है। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाले वक्त में अगर किसान खेती करना छोड़ दें आने वाले 10 20 25 50 साल में, तो जैसे हमने पेट्रोल डीजल क्रूड बाहर से मंगा दें तो भोजन पानी बाहर से मंगाना पड़े। हाँ वही हो रहा है कि जो बच्चे हैं किसान के जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि जो है हम क्यों जो है किसानी करें, मैं हमको क्यों किसानी करें, जो है हमें मेहनत करनी पड़ती है। अभी देखेंगे आप सुसाइड किया है चार बच्चों ने बिना परिवार के, पिछले 20 साल में 3 लाख लोगों ने तीन लाख किसानों ने सुसाइड कर। हाँ रोज 41 लोग जो है अगर सुसाइड करते हैं तो ये जो बहुत गंभीर समस्या है। एवरी डे हर रोज जो है 41 लोग, मैंने कैलकुलेट किया जो है पिछले 20 साल में 3 लाख से ज्यादा होंगे। अच्छा, तो चीज मैं आपको बोलना चाहिए, आप तो प्रोटेस्ट करने आए हैं दिख रहा है मुझे, ठीक है आप अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं, शायद विरोध को हमारे चैनल के माध्यम से हम दिखाएंगे, शायद सुना जाए या ना सुना जाए क्योंकि हम लोग संवैधानिक संस्था नहीं है, लेकिन हमारा काम है दिखाना, हम दिखलाएंगे। लेकिन मंच पे जो लोग हैं, ठीक है, क्या लगता है वाकई में किसान के हित की बात करते हैं या अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में है? बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल एक कॉमन मैन दूसरे कॉमन मैन से पूछ रहा है, ये कुछ नहीं है, अभी मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ रिपोर्टर नहीं हूँ, बट एक कॉमन मैन दूसरे कॉमन मैन से पूछ रहा है कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में जो लोग हैं मंच पे, ठीक है, क्या वाकई में अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं या ये जो भाई साहब बगल में दिखलाइए इनको, ये जो आए हुए हैं क्या इनकी स्थिति सुधारना चाहते हैं, क्या वो भी सांसद विधायक बनना चाह रहे हैं मंच वाले लोग? नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जो 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 लीडर बन जाते हैं तो वो पीछे, जैसे अरविंद केजरीवाल का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जो है आपको समझ आ जाएगी। तो जैसे अन्ना हजारे अभी बिल्कुल जो है नज़र में नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं है किसी की जो है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसे ही जो है अरविंद केजरीवाल भी जो है शांत हो गए, चुप हो गए। तो ठीक बात है, जो है आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं लोग, किसान लोग आए हुए हैं अपना खेती धंधा तो लॉस में है ही वो, हाँ, और ऊपर से भी प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, कुछ लेके कुछ दे के कर्ज ले करके आते हैं यहाँ पे, इनको जरा फोकस कीजिए, आप इनको फोकस कीजिए जरा, आपके बाजू में एक बैठे हुए देखिए, आप मैं देख रहा हूँ, कहाँ से आए हैं आप? हम परभनी से, हाँ हाँ महाराष्ट्र, हाँ हाँ। काय का खेती करते हैं? खेती करते हाँ, 10 एकड़ खेती है उसमें कुछ। हम लोग ये चाह रहे हैं कि देखिए हर लोग अपना अपना फायदे के लिए काम कर रहा है ना, आज जो भी मंच पे बैठे हुए लोग हम नहीं जानते, आप विरोध करने आए हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिला, लोग विरोध करने आ गए, आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं, ये परवनी महाराष्ट्र से हैं, वो क्या नाम है आप? वैजनाथ ज्ञानोबा कछुए। आप परवनी महाराष्ट्र से? हाँ हाँ, परवनी तालुका जिला परवनी। अच्छा, काय की खेती करते हैं? हम वहाँ कपास सोयाबीन, इसको भाव नहीं, सोयाबीन को भाव नहीं, कपास को भाव नहीं। अच्छा ये बताइए तो यहाँ आने का क्या कारण है? यहाँ आने का कर्ज मुक्ति होना, कर्ज से मुक्ति हो जाए। हाँ, ईद बिल माफ करना। अच्छा, हाँ, दुष्काली हो गए उधर, पानी नहीं कुछ नहीं, दुष्काली मिलना, खेत वाले को ईमे मिलना, रिलायंस कंपनी को ईमे भरे वो भी नहीं दिए कंपनी ने खेत वाले को, इसके लिए हमें ये। तो ये किसान आंदोलन यूं ही चल रहा है और आगे भी इन लोगों का कहना है कि चलता रहेगा। मैं आपसे विदा नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि यहां पे इनकी समस्याएं सुनना और उनको आप तक पहुंचाना
बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है, लेकिन समय की कमी की वजह से हमें यहाँ से विराम लेना पड़ रहा है, विदा लेना पड़ रहा है। लेकिन मैं, मेरी पूरी टीम, मेरे पूरे साथी, ये सभी मैसेज और जिन किसानों से हमने बातचीत किया, वो सभी इस केंद्र सरकार को एक मैसेज दिया है कि भाई उनकी बातों को आप गौर करें, नज़रअंदाज ना करें। अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो आंदोलन करना, रैली करना वो अलग बात है, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में हमें चावल, दाल, गेहूं ये सभी बाहर से मंगाना पड़े, मतलब किसान खेती करना ना छोड़ दे। धन्यवाद। भागो दूसरी धुन पे, सुनाता हूँ आपको जो है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, भगवान नहीं है, अल्लाह भी नहीं था, गॉड भी नहीं होगा। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।